Hey guys, welcome back to our channel. तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ super duper easy DIY lip scrubs. जैसा कि winter start हो चुके हैं and हमारी lips dry होना और फटना start हो चुकी है, तो उसके लिए उस problem के लिए मेरे पास एक solution है और वो है DIY lip scrubs, जो कि आप easily घर पे रखे हुए ingredients से बना सकते हैं. So let's get started. ये थे मेरे स्क्रब्स. तो अगर आप चाहो तो आप इन स्क्रब को अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये कॉफ़ी स्क्रब अपने फेस पे यूज़ किया. आप यहाँ पे पिक्चर पे देख सकते हैं. तो इसे अपने फेस पे यूज़ करने के बाद आई फील सो गुड. मेरी स्किन इतनी स्मूथ और इतनी सॉफ्ट हो गई इसे यूज़ करने के बाद. आई एम जस्ट सेइंग कि आप भी यूज़ करो और उसके बाद आप खुद देखो कि ऐसा कुछ होता है या नहीं होता. डेफिनेटली ऐसा होता है. इसके बाद मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट हो गई. जितने भी डेड स्किन सेल्स थे वो सब रिमूव हो गए और आई फेल्ट रियली मॉइस्चराइज एंड सॉफ्ट. और स्क्रब करने के बाद प्लीज़ डू नॉट एवर स्किप द मॉइस्चराइजर वाला पार्ट. आप अपने मॉइस्चराइजर कभी स्किप मत करना. आप हमेशा कोई भी स्क्रब यूज़ करने के बाद टोनर और मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाना. दैट वुड बी डेफिनेटली बेस्ट. और जैसे ही फिर दोबारा आपकी स्किन या आपके लिप्स चैप्ड होते हैं तो आप फिर से अपना स्क्रब यूज़ कर सकते हो. आप इसे एक हफ्ते तक अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा. सो दैट
इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, और तो आप भी इन स्क्रब्स को अपने घर पे बैठ के यूज करें. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कॉमेंट. टिल देन सी यू सून, बाय.